सभी मोहब्बत में डूबे हैं। अभी एक बड़े भाई साहब आए, कविता करके गए, उनका दर्द हमें देखा नहीं गया, तो हमने कुछ चार लाइनें, छः लाइनें, आठ लाइनें नहीं, पूरी नज़्म लिखी है उनके लिए, और सही से देखा जाए तो मेरे लिए भी है। मैं पढ़ता हूँ। मेरा मन ये कहता है प्यार अब नहीं करना, मेरा मन ये कहता है प्यार अब नहीं करना, ख्वाब जो लिए हो तो ख्वाब ही लिए रहना। मोहब्बत में लोग ख्वाब लिए बैठे होते हैं, अपना ड्रीम बना लेते हैं, अपना डिजायर बना लेते हैं, सब कुछ बना लेते हैं। मैं आगे पढ़ता हूँ। ख्वाब जो लिए हो तुम ख्वाब ही लिए रहना, प्यार में पड़े तो तुम सब गवां जो बैठोगे, तुम किसी भी लड़की पर जानी सार मत करना। वैसे यहाँ तो सिर्फ एक ही लोग है मेरे खिलाफ जाने वाले, बाकी तो सभी साथी हैं। मैं अगली लाइन पढ़ता हूँ। मेरे साथ क्या हुआ था मोहब्बत के दौर में, मोहब्बत के समय में, मैं बीटेक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और दो साल में बहुत कुछ देख लिया। हाँ, इंसान सिंगल आता है बीटेक में और सिंगल ही जाता है, होता कुछ नहीं, वो भी सिविल और मैकेनिकल वाले। सही कहा आपने। मैं भी जिस पे मरता था वो चली गई है अब, जिससे प्यार करता था वो चली गई है अब, रोज ख्वाब में मेरे रात को जिसकी एक मूरत सी दिल में बन गई है अब, जिसकी एक मूरत सी दिल में बन गई है अब। जब मैं प्यार में था तो क्या होता था, क्या दिखता था, क्या नज़ारे थे, सब कुछ मतलब एकदम हरियाली टाइप दिखता था, सभी रंगीन दिखता था। तो क्या होता था, उसकी उन निगाहों में प्यार भी दिखा था तब, प्यारी प्यारी बातों में ख्वाब भी दिखा था तब, मैं भी जान ना पाया उसके उन इरादों को, उसके उस बहानों में सच भी दिख रहा था तब, उसके उन बहानों में सच भी दिख रहा था तब। मैं बताता चलूँ, जब इंसान का दिल टूटता है तो कभी बनता है या फिर आशिक भैया जैसे कभी कराने वाला, कविता कराने वाला। अंतिम की चार लाइनें मैं पढ़ता हूँ और आप लोगों की प्रतिक्रिया चाहूंगा। आंधियों की आहट सी आई थी कभी दिल में, एक समा जलाई थी वो कभी मेरे दिल, रोज शाम को मेरे ख्वाब में वो आती थी, याद छोड़ जाती थी वो कभी मेरे दिल में, मेरा मन ये कहता है
प्यार अब नहीं करना. थैंक यू वेरी मच.